So class 4, today we are going to do a new poem in English literature, that is chapter 13, The Chimney Sweeper. We are going to do this chapter 13, Chimney Sweeper today, this poem, okay? Chapter 13, The Chimney Sweeper. ये चिमनी स्वीपर किसे कहा जाता है? ये जो बड़े बड़े चिमनी होते हैं ना, वो देखा ना बिहार में जहाँ पे ईटा वीटा बनता है, चिमनी होता है, उसे साफ करने के लिए ना बच्चों से लेबर किया जाता है, बच्चों से काम लिया जाता है, उन लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है चिमनी में, तो उसे कहते हैं द चिमनी स्वीपर। तो ये पोएम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे चाइल्ड लेबर दिखाया गया है। It has been shown child labor, where the narrator of the this poem is the boy himself, who is being exploited. And in this poem, he is saying what happened to him and how he came to this chimney and how he became chimney sweeper after the death of his mother. Chalo, now I am directly starting the poem. I hope all of you are paying attention and listening properly. Now read this poem about young boys who are forced to work as a chimney sweeper, okay? Now the narrator, the boy who is the narrator, he's saying, when my mother died, I was very young. And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep and in sooth I sleep. Scarcely mean very hardly, and weep mean rona, and sweep mean safakarna. Okay. So he is saying in this para, you can see this four lines para, he is saying everything that I was just a little boy when my mother died. मानी कि ये लड़का बोल रहा है यहाँ पे कि मैं सिर्फ छोटा सा लड़का ही था जब मेरी माँ मर गई. My father then sold me into the chimney sweep professional before I even knew how to speak. ये जो बोल रहा है, my father sold me while yet my tongue. यानी जब मैं बोल भी नहीं सकता था, ये इतना छोटा था. जब मैं बोल भी नहीं सकता था तो मेरी माँ मर गई और मेरे पिताजी ने इस चिमनी वाले के पास मुझे भेज दिया और मैं चिमनी स्वीपर बन गया. ओके, देन दैट बॉय सेइंग, सिंस देन ऑल आई हैव डन इन स्वीप चिमनीज एंड स्लीप कवर्ड इन डर्ट. अरे बोल रहा, तब से मैं यहाँ साफी कर रहा हूँ, मैले में सो रहा हूँ, गंदा खारा पी रहा हूँ और मेरा हाल बेहाल है, मैं यहीं पर हूँ. अंडरस्टूड? इन द फर्स्ट पैरा द बॉय इज सेइंग दैट, कंप्लेनिंग अबाउट हाउ ही हैज केम. उसके अपने बाप ने उसे भेज दिया जब वो बहुत छोटा था. उसको स्कूल भेजाने के बजाय, पढ़ाने लिखाने के बजाय, उसे काम में डाल दिया, भेज दिया उसे एक चिमनी वाले के पास. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. The next para is, there is little Tom Dacre who cried when his head that curled like lamb's back was safe, so I said. Hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? He is saying a new boy arrived one day. यहाँ पे काम करने के लिए एक नया लड़का आया. His name was Tom Dacre. उसका नाम क्या था? Tom Dacre. He cried when his curly lamb-like hair was shaved off. तो वो बहुत रोया जब उसका लंबे लंबे बाल काट दिए गए. I told him not to worry with a shaven head. मैंने उसे कहा
कि ये जो बाल मुंडा दिए गए हैं इस पे रोने की कोई बात नहीं है. His beautiful locks would not have to get dirty from all the chimney dust. उसने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे बाल मुंडवा दिए गए, वरना यहाँ पर तुम्हारे सुंदर बाल गंदे हो जाते इस चिमनी को सफा करते करते. ओके, तो सेकंड पैरा ऑल्सो फिनिश्ड. नाउ कम टू दिस पैरा, पैरा थ्री. नाउ आई एम इन पैरा थ्री, तीसरे पैराग्राफ में हूं मैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग नाइसली. नाउ इन द थर्ड पैरा, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स डिक जो नेड एंड जैक वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक. वेरी सैड टू हियर. आप यहाँ पे बोल रहा है ये लड़का कि उसी रात टॉम इसे, एक्चुअली ये लड़का जो है इसका नाम है टॉम. ओके, मानी चीज नैरेटर सिंह लेटा देता नाइट. उस रात को क्या हुआ, टॉम फेल अस्लीप. ये जो टॉम जो था जिसके डैडी ने उसे भेज दिया, देखो ये टॉम है, देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, कैन यू सी हियर टॉम इज स्टैंडिंग, दिस बॉय इज टॉम. ओके, ही इज अ चिमनी स्वीप. तो लेटा देता नाइट टॉम फेल अस्लीप. उस दिन रात को टॉम सो गया. ही हैड अ विजन इन अ ड्रीम. उसके सपने में ख्वाब आया. एक वो जब सोया तो उसे उसने एक सपना देखा. ही सॉ रॉ अपॉन रॉ ऑफ डेथ चिमनी स्वीपर्स इन ब्लैक कॉफिन्स. माने वो क्या देखा कि उसके कुछ लोग यानी कुछ लड़के जो वहां काम करते थे वे सारे मारे गए, और उनका जो कॉफिन है ना, जो कब्र, जो ताबूत पे उसको रखा गया, वो भी सब काले काले हो गए. बड़ा भयानक सपना उसने देखा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. नाउ वी आर एट पैरा फोर. अब हम लोग पैराग्राफ फोर में है. कम एंड बाय केम एन एंजल वो है द ब्राइट की. And he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि an angel came. वो सपने ही में देख रहा है, याद रहे ये अब तक सपने ही देख रहा है. वो ये सारा का सारा टॉम सपने में देख रहा है कि इसके सारे दोस्त मारे गए, वो कॉफिन में फंसा हुआ है, वो लोग कॉफिन के अंदर बंद हैं. तो एन एंजल केम अलोंग विद द की एंड अनलॉक द कॉफिन्स. ये एक एंजल आया जिसके हाथ पे चाबी था, उसने सारे के सारे कॉफिन को खोल दिया, सेटिंग द स्वीप्स फ्री. आज जितने उसके अंदर थे जैसे कि दिग जो नेट जैक जितने लड़के, उन लोगों को फ्री कर दिया, यानी वे जिंदा हो गए. देन दे फ्रॉलिक इन ग्रीन फील्ड, बादिंग इन क्लेवर वाटर एंड बास्क इन द सन. बेस्किंग इन द सन मतलब वो लोग जो कब्र के अंदर बंद थे या ताबूत के अंदर, एक एंजल आया उन लोग को आजाद कर दिया ताबूत के अंदर से. वो लोग फिर से खुशहाल हो गए, नहाया धोया, अपने आप को सफा रखा और गार्डन में खेलने लगे. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू पैरा फाइव. अब मैं पैरा फाइव में हूं. देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड. They rise upon clouds and spot in the wind. And the angel told Tom, if he had been a good boy,
He would have God for his father and never want joy. Then it means naked, clean, and without their work implements, the sheep rise up to heaven on clouds and play in the wind. उसके बाद वो सपने में और क्या देख रहा है? ये सारे के सारे जो ताबूत से एंजल ने निकाल दिया था, वे सारे के सारे उड़कर आसमान की तरफ, हेवन के स्वर्ग की तरफ जाने लगे और हवाओं में खेलने लगे जाते जाते. The angel tells Tom that if he behaves well, और एंजल ने सपने में ही टॉम्स को क्या कहा कि अगर वो अच्छे से बिहेव करेगा, if he behaves well, God will take care of him and make sure he is happy. अगर वो अच्छे से रहेगा, अच्छे रास्ते पे चलेगा, तो उसकी रक्षा सुरक्षा स्वयं गॉड करेंगे और वे हमेशा खुश रहेगा. एंजेल ने कहा उसे, टॉम को उससे. ओके, एंड नाउ कम टू द लास्ट पैरा, दैट इज पैराग्राफ 6. ओके, एंड सो टॉम अवोक. अब ये सपने से टूटा. देखो, अब ये उठा, इतने देर से सपना देख रहा था. ओके, सपने में ही एंजल से बात हो रहा था उसका, अब ये उठेगा. एंड सो टॉम अवोक. And so Tom awoke and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. So in the last para, it is saying, the next day, Tom woke up. दूसरे दिन टॉम उठा. We got out of bed before dawn and went with our bags and chimneys, brushes to our work. It was a cold morning, but Tom seemed fine. Cold morning था, अगले सुबह सब उठे, सारे बच्चे फिर से काम में चल गए. वो cold morning था, मगर टॉम को अच्छा लग रहा था. Okay, it was a cold morning, but Tom seemed fine. If we all just work hard, nothing bad will happen. Yani, Tom ne sab se kehte hue kaha ki agar hum sab acche kaam karenge, acche raaste pe chalenge, to hamare saath kuch bura nahi ho sakta. Kyunki yahi cheez use angel ne, farishte ne sapne mein bola tha. Okay? This poem is written by William Blake. विलियम ब्लेक. ये विलियम ब्लेक जो है 18 सदी के उपन्यासकार, लेखककार और कवि है. विलियम ब्लेक, यू कैन सी हियर, विलियम ब्लेक इज 1757 टू 1829 तक वो जीवित रहा. ओके, यानी उससे मरते ही, यानी विलियम ब्लैक 1757 से 1827 तक जीवित रहा. ओके, नाउ विलियम ब्लैक जो 1757 से 1827 तक जीवित रहे, वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड पेंटर. वो एक इंग्लिश पोएट और पेंटर थे. ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज. रोमांटिक एज के बहुत अच्छे कवि रहे ये. ही इज हेल्ड इन हाई रिगार्ड फॉर हिज क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेसिवनेस. उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा का कवि माना जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं. हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके बड़े बड़े काम हैं जो उन्होंने बुक लिखा है, उनमें से मेन इंक्लूड है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. The Songs of Innocence and Experience and The Marriage of Heaven and Hell.
ये दो फेमस किताब है जो उसने लिखा। तो आई होप ये कविता आप लोग को समझ आया होगा। ये एक ऐसे एक लड़का का कहानी है जो चिमनी बॉय है, जिसे पैदा होते ही उसके बाप बेच देते हैं, बड़ी दुर्गति होती है, पर उसे सपने में एंजल बताते हैं घबराओ मत, तुम अच्छे रास्ते पे चलो और एक दिन तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन द होल पोएम। इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी मैं लेटर आई विल मेक यू राइट, मैं लिखा दूंगा तुम लोगों को। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पोएम।